हेलो विवर्स, नमस्कार। अभी आजकल में गणगौर पूजा आने वाली है, जो राजस्थान में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। उसके लिए मेला भी लगता है और उसमें कई तरह के पकवान बनते हैं, जो मैं आज आपको मीठी और नमकीन पापड़ी बना के दिखाऊंगी। कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। ये देखिए, बेसनी बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। बेसनी बनाने के लिए एक बाउल हमने ये बड़ा बेसन लिया है, और तेल मोयन के लिए लिया है, और 1/4 हमने आटा लिया है, और हींग ली है हमने आधा चम्मच के करीब, मिर्ची ली है लाल, और ये सौंफ ली है आधा चम्मच करीब, अजवाइन ली है आधा चम्मच करीब, और ये काला नमक और सादा नमक मैंने दोनों मिला के बराबर मात्रा में डालेंगे हम, और हल्दी ली है। अब हम इसको पहले मोन दे लेते हैं। बेसन आटा डाल देंगे, बेसन आटा। अब हम इसमें पहले मोन दे लेते हैं। इसमें मठरी जैसा ही देना है मोन। ये देखिए, इस तरह से जैसे मठरी में मिलाते हैं मोन, उसी तरह इसमें भी मुठिया बनने लगे, तो ये समझ लीजिए आपका मोन तैयार है। अब हम सारे मसाले डाल देते हैं। हल्दी, काला नमक, सादा नमक, अजवाइन, सौंफ, लाल मिर्ची पाउडर और हींग। अगर आपके पास सूखा पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद अच्छा आता है। सारी सामग्री मिला लें मसाले, और इसको इसको मल लेंगे, इसका डो एक तैयार कर लेंगे। डो इसको ज्यादा कट्ठा नहीं मलना है, क्योंकि ये फूलता भी है, चना है, इसलिए थोड़ा सा ये फूलता भी है थोड़ी देर में। हम इसको आधे घंटे के लिए मल के रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से मल ले, ये इस तरह से नरम हो। अब हम इसको पॉलिथीन में रख देंगे, या फिर गीला कपड़ा भी आप ढक सकते हैं। ये गणगौर पे अधिकतर बनाया जाता है, खासकर राजस्थान का त्योहार है ये गणगौर, जहाँ इसका महत्व बहुत है, मीठी पापड़ी और नमकीन पापड़ी का बनाने का। बहुत धूमधाम से मनाते हैं गणगौर को, वहाँ मेला भी लगाया जाता है। हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखिए, नमकीन पापड़ी बनाने के लिए हमको या तो आप छोटी छोटी बेल लें, या फिर इस तरह से बड़ी बेल को कटिंग कर लें डिजाइन से। हम जब तक पापड़ी बना रहे हैं, तब तक हम तेल गरम करने रख दिया है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से, कोई भी डिजाइन में आप काट लें।
ये जो वेस्टेज बचता है इसको वापस हम मिला लेंगे आटे में। तेल गरम हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसे तल लेंगे, मीडियम आंच रखें और तेल ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। दोनों तरफ से उलट पुलट करके सेक लेंगे। पलट देंगे इसको। अच्छे गुलाबी तल के निकालेंगे। सिक रही है, ये अच्छी कुरकुरी हो गई। अब हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारी मछली बना लेंगे। नमकीन ये लीजिए, गनगोर की वेसनी तैयार है। इस तरह से तरह तरह से बना के उनकी पूजा की जाती है। खाएं, खिलाएं और त्योहार मनाएं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी टिप्स जो बदलते मौसम में गला बैठ जाता है हमारा, तो उसके लिए मैं एक टिप्स लाई हूँ। काली मिर्ची और मिश्री को बराबर मात्रा में चूसने और चबाने से बैठा गला ठीक हो जाता है। आप ट्राई करके जरूर देखें।